हिंदुस्तान की लकड़ी का इस्तेमाल कर बनाई ऐसी कमाल की चीज जो देश नहीं विदेश नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इसको बनाने के लिए एक तरफ इसको रंगा जाता है तो दूसरी तरफ घिसा जाता है। गजब की टेक्निक, कमाल की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे ये काम होता है चलिए देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा बताइए क्या करते हैं आप, क्या क्या बनाते हैं, कब से कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ ढोलक, तबला, पखावज, नाल, मृदंग, बंगला ढोल, डमरू, एक तारा वगैरह सब बनता है। आपके पास रॉ मटेरियल किस फॉर्म में आता है? देखिए रॉ मटेरियल इस फॉर्म में लकड़ आ जाते हैं हमारे पास, फिर इसे जो है कटर से एक छोटे छोटे पीसों में काट लिया जाता है। उसके बाद ये जो है कुहाड़ी की मदद से जी ये इसको गोल करेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। जिसपे काम चल रहा है आम है ना, ये वाला आम है, ये गोल हो जाएगा जी। चलिए उसके बाद ये जो है एक हैंडमेड ठिया है जी, लोग ठिया बोलते हैं इसको, उसके बाद ये खाली गोल घुमाने के लिए इस पर चल जाएगा। हैंडमेड टूल्स की मदद से इसको ढोलक का रूप दे दिया जाता है। तो ये लेयर सी कैसे निकाल पा रहे हैं? ये लेयर टूल्स की मदद से इसको अंदर से खाली करेंगे और एक के अंदर एक लेयर निकालते रहेंगे, कम से कम 4 या 5 ढोल के इतने। पर वो साइज छोटा होता चला जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, एक बड़ी ढोलक फिर उससे छोटी ढोलक, इस तरीके से इसमें 4-5 ढोलक बनेंगी। ये देखो एक के अंदर एक, ये सब एक में से निकला हुआ है, एक में से निकला हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए ढोलक बनने के बाद उस लकड़ी को सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद ये यहाँ इस पर सैंड पेपर लग रहा है जिससे ढोलक में स्मूथनेस आ जाए, चिकनी हो जाएगी और फिनिशिंग आ जाए, फिनिशिंग आ जाएगी। तो उसके बाद ढोलक का कार्य होता है पॉलिश होने का। ये क्या काम? ये पुट्टी कर रहे हैं, इसकी पुट्टी खींचने के बाद इसको ये सुखाया जाए। ओके। सुखाने के बाद इस पे एक सैंड पेपर लगाया जाता है इसको फिर फिनिशिंग लाने के लिए। धारियां जो बनी हुई है इसके अंदर जो पुट्टी चली जाती है, सैंड पेपर का एरिया चला जाता है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये पॉलिशिंग का है, ये पॉलिशिंग की लेयर चढ़ेंगी 1x1, इसमें 5-6 लेयर चढ़ने के बाद। सेम कलर की का? सेम कलर। इसकी फिनिशिंग तभी आती है जब एक के बाद एक लेयर 4 से 5 चढ़ जाती है, तो ये फिनिश में आ जाती है। अच्छा राजीव जी, ये मशीन किस काम की है? छिद्र करने के लिए है, ढोलक में सुराख करने के लिए जिसमें नट बोल्ट लगाए जा सके। अच्छा, जैसे ये सुराख हो रहे हैं, ये आ जाते हैं हम मढ़ाई डिपार्टमेंट में, लकड़ी के जो फ्रेम है जो पॉलिश होकर आए हैं, उसके बाद उसमें नट बोल्ट लगाकर और ये पूड़ा लगाकर मढ़ाई का कार्य स्टार्ट हो जाता है। पूड़ा क्या होता है? जहाँ से साउंड आएंगे उसको पूड़ा बोलते हैं। ये वाला जो इसका पार्ट्स है ये पूड़ा है, वो स्पीड पॉलिश ढोलक थी। हाँ। ये मल्टी कलर कलरफुल ढोलक तैयार हो, ये हमें इस मशीन पे सेट करनी होगी और जो भी रंग लगाना है उसी हिसाब से इसको सेट कर देंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा राजीव जी, यहाँ पे ये क्या काम हो रहा है? देखिए ये जेम्बे बन रहे हैं। अच्छा, और अपने हिंदुस्तानी भाषा में इसे बोलते हैं चमेली ढोलक। अच्छा जी, पर ये विदेशी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये कभी 30-40 साल पहले इंपोर्ट होता था, आज ये एक्सपोर्ट होता है। इसमें अंतर क्या होता है, अपनी ढोलक दोनों तरफ से मढ़ाई होती है उसकी। जी जी। पर ये एक तरफ से मढ़ाई होगी। ये इसी का ही बड़ा रूप है? ये इसी का बड़ा रूप है। जैसे कि ये आरती डैरू है, आपने देखा होगा केदारनाथ मंदिर पे और बनारस के मंदिरों पे और घाटों पे जो आरती के समय इस्तेमाल करते हैं बड़ा डमरू, इसको कहते हैं डैरू, ये वो बन रहा है। बहुत सारी प्रोडक्ट बनते हैं, ये बोंगो हो रहे हैं, ये दो पीस आपस में जोड़ दिए जाते हैं सुराख करने के बाद। अच्छा। इस प्रकार से जैसे ये भैया जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट है ये। ओके। कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? हमारी वेबसाइट है www.rammusical.com, इन पे आपसे संपर्क किया जा सकता है। जी जी, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।